तो दोस्तों अभी जो है हम लोग जमालपुर जगदीशपुर आए हैं और यहाँ प्रिंस कुमार ने हमें कॉल किया है। वजह है दोस्तों एक बहुत बड़ा सांप इन्होंने देखा है और वो सांप जो है बता रहे हैं वहाँ पर था और वहाँ से जो चलते हुए जो है वो जो है इस गोइठा के नीचे आप देख सकते हैं काफी सारा हजारों हजार गोइठा रखा हुआ है यहाँ पर और इसके कॉर्नर में नीचे साइड जो है जगह है तो वहाँ पर जाके यह सांप छिप गया है। तो हम पहले कोशिश करते हैं सांप को दिखाने के फिर उसका रेस्क्यू करेंगे। दोस्तों काफी जबरदस्त रेस्क्यू होने वाला है, यह देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है एक रेड स्नेक है, देख पा रहे हैं काफी तेज तर्रार सांप रेड स्नेक, तो धामन सांप है ये, धामन धामन रेड स्नेक। हाँ हाँ तो दोस्तों आइए इस सांप को हम लोग निकालते हैं। आइए दिखाइए, सांप काफी गुस्से में है और हम लोग चाह रहे हैं इसे, लेकिन यह जो है काफी चतुर है सांप। हाँ जरा सा बच गया दोस्तों। और उधर छेद है क्या? ना ना ना, ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। अब बैठा था ना, चल चल चल। उल्टा दो, हाँ उल्टा बोल, हाँ उल्टा, हाँ उल्टा, हाँ निकालो निकालो सब के निर्माण सटा सट चलिए हो गया, चलिए हो गया। दादी ये दोस्तों सांप जो है पकड़ा चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली बहुत बड़ा सांप है और ये चूंकि गोइठे के ऊपर बीच में घुस गया था इस वजह से हमें पूरी सफाई करनी को क्या है कि बहुत सारे चूहे रहते होंगे गोइठा के ढेर में और ऐसे में क्या है सांप जो है चूहे खाने के लिए अंदर आ गया। तो दोस्तों बताते चले ये एक बिना जहर वाला सांप है, लेकिन कुछ महीने पहले हमने इस जगह से एक बहुत बड़ा कोबरा सांप को रेस्क्यू किया था तो लोगों के मन में भय था, सांप को पहचान नहीं पाए लोग और लोग समझ रहे थे उसी कोबरा सांप का यह जोड़ा है और इस वजह से लोग काफी भयभीत हो गए थे और घर के अंदर अगर इतना बड़ा सांप है तो भय तो बनना वाजिब है दोस्तों। लेकिन फिर भी बताते चले ये बिल्कुल भी बिना जहर वाला सांप है, बिल्कुल भी इससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो हालांकि अभी यह सांप थोड़ा डरा हुआ है लेकिन यह थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा और अब यह नॉर्मल हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं यह जितना एग्रेसिव था अब शांत हो चुका है
और अब इसके मन में घबराहट नहीं है, क्योंकि हम लोग इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इस वजह से इसे फील हो चुका है, ये बार बार जो अपनी जुबान निकाल रहा है बाहर, इससे इस ये हवा में मौजूद पार्टिकल का वो अपने मुंह में लेता है और उसके बाद इसे अंदाजा मिल जाता है कि इसके आसपास कितना खतरा है। तो ये अब बिल्कुल भी नॉर्मल है और इससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं, इसे ले जाकर हम लोग पर्यावरण में रिलीज कर देंगे। तो साथियों, उम्मीद है आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगली बार किसी और स्नेक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम लोग अभी एक रेड स्नेक को पकड़ के आ रहे हैं, तो हम लोग इसे भी इसी में रेस्क्यू कर लेते हैं। जीवन निकाला है कौन भैया? ये हो देखिए, इसमें दिखाइए क्या, कोई कुंत नहीं देखे वो भैया, देखिए दो गो पकड़िए उधर। हाँ भैया, आराम से।